मिथुन चक्रवर्ती का बीजेपी में शामिल होना लगभग तय। सूत्र बता रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय ने मिथुन से फोन पर बातचीत की है। आज कैलाश विजयवर्गीय से मिथुन चक्रवर्ती मिलने वाले भी हैं। मुलाकात के बाद आगे की जानकारी दी जाएगी, कहा कैलाश विजयवर्गीय ने। कैलाश विजयवर्गीय के संबंध में पहले जब उनसे बातचीत की गई थी तो यह पूछा गया कि क्या मिथुन चक्रवर्ती आ रहे हैं। उन्होंने कहा अगर आते हैं तो स्वागत है, ये कैलाश विजयवर्गीय ने कहा। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि फोन पर बातचीत हो गई है, हालांकि अभी इसे सील नहीं किया जा रहा है, कंफर्म नहीं किया जा रहा है। अभिषेक उपाध्याय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, अब ये वक्त की बात लग रही है? देखिए, ये चर्चा काफी दिनों से है दिनेश, और चूंकि बीच में कुछ मुलाकातें हुई हैं, उन मुलाकातों के बाद इस पर और ज्यादा चर्चा बनी है। और बड़ी बात यह है कि बीजेपी लगातार इस बात को स्थापित करने कोशिश कर रही है कि बंगाल के जो आइकन है, चेहरे हैं, वो हमारे साथ हैं। तो अगर उस धारा को आप जोड़ करके देखें तो ऐसा लगता है कि फीलर्स हैं और संकेत हैं इस बात के। दिनेश जी, तो ये सिर्फ उनके बारे में कहा जा रहा है, सौरभ के बारे में भी ये बातें चल रही हैं, क्या ये माना जाए कि मिथुन वाला लगभग तय हो गया, बाकी के बारे में अभी इंतजार करना होगा, या मिथुन वाले में मामले में भी अभी इंतजार बाकी है? देखिए, मतलब इंतजार तो मुझे लगता है कि इंतजार शब्द को साथ में जोड़ना चाहिए, क्योंकि हमने ये बात क्लियर पूछी थी उनसे, सौरव गांगुली और प्रतिनिधि, इन दोनों का नाम मैंने लिया था, कैलाश जी से मैंने इंटरव्यू किया था, कैलाश विजयवर्गीय का। उन्होंने क्लियर कहा था कि नहीं नहीं ये अफवाह है, 7 तारीख को ऐसा नहीं होने जा रहा कुछ, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा था। लेकिन साथ साथ में ये धारा चल रही है कि बंगाल के आइकन्स को जोड़ा जाए पार्टी के साथ, वो चेहरा पार्टी दिखाए कि वो हमारे प्लेटफॉर्म पर हैं, इसलिए इस बात की भी संभावना है कि कुछ लोग आज की तारीख में, यानी आने वाली तारीख में, कुछ लोग कुछ दिनों बाद उनको पार्टी के फोल्ड में लाया जाएगा और एक के बाद एक लाया जाएगा, ताकि ये सिलसिला, ये कंटिन्यूटी बनी रहे। दिनेश, बहुत शुक्रिया अभिषेक, आगे भी आपसे संपर्क में रहेंगे। बात की गई है, फोन पर बात हुई है कैलाश विजयवर्गीय और मिथुन चक्रवर्ती की, लेकिन क्या आखिरकार वो पार्टी फोल्ड में आ रहे हैं, क्या वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय बता रहे हैं कि सौरव गांगुली के मामले में तो एकदम ही अफवाह ऑन रिकॉर्ड कहा गया था कि अफवाह है, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती के बारे में बातचीत हुई है ये माना गया। अब बातचीत में क्या बात हुई है और आखिरकार वो क्या भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और कल ऐसा होने वाला है क्या, इस बात के लिए कुछ इंतजार। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।